1913 में आज ही के दिन रोडोल्फ डीजल की बेहद रहस्यमय ढंग से मौत हुई थी। रोडोल्फ ने दुनिया के पहले डीजल इंजन का निर्माण किया था। बेल्जियम से हार्विक की तरफ जाते हुए रोडोल्फ डीजल ड्रेसडेन नाम के जहाज से अचानक लापता हो गए थे। 10 अक्टूबर 1913 को उत्तरी सागर में एक शव तैरता हुआ मिला। जांच में पता चला कि शव रोडोल्फ डीजल का है, लेकिन उनकी मौत कैसे हुई इस पर आज भी रहस्य बना हुआ है। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि रोडोल्फ डीजल ने आत्महत्या की, हालांकि कई लोग इस दावे पर सवाल करते हुए उनकी हत्या की आशंका जताते हैं। डीजल का नाम और काम आज भी जिंदा है। 28 फरवरी 1892 को रोडोल्फ डीजल ने अपने कंप्रेशन इग्निशन इंजन को पेटेंट कराया। शुरुआत में इंजन मूंगफली के तेल या वनस्पति तेल से चलता था। बाद में रोडोल्फ ने इसमें सिलेंडर जोड़ा और फिर पेट्रोल से अलग और सस्ते दूसरे किस्म के तरल ईंधन का इस्तेमाल किया। रोडोल्फ के आविष्कार से इंजन का नाम डीजल इंजन पड़ा और इस तरह से तरल ईंधन को डीजल कहा जाने लगा। 1932 में आज ही के दिन मशहूर अभिनेता महमूद अली का जन्म हुआ था। महमूद अपने जमाने के एक ऐसे अभिनेता थे जिन्हें किंग ऑफ कॉमेडी कहा जाता था। महमूद को फिल्मों में पहला ब्रेक 1958 की फिल्म परवरिश में मिला था, जिसमें उन्होंने राज कपूर के भाई की भूमिका निभाई थी। 1961 की ससुराल उनके करियर की अहम फिल्म थी, जिसके जरिए बतौर हास्य कलाकार स्थापित होने में उन्हें मदद मिली। अपने बहुरंगी किरदारों से दर्शकों को हंसाने और गंभीर भूमिका कर रुलाने वाले महमूद अभिनय के प्रति समर्पित थे। अपने बहुमुखी अभिनय और कला के प्रति समर्पण ने उन्हें बुलंदियां दी और उनको 4 बार फिल्म फेयर सहित कई पुरस्कारों का सम्मान मिला। उन्होंने कई फिल्मों में गीत ही नहीं गाए बल्कि फिल्मों का निर्माण और निर्देशन भी किया, जिसमें छोटे नवाब, भूत बंगला, पड़ोसन, बॉम्बे टू गोवा, दुश्मन दुनिया का और सबसे बड़ा रुपया आदि शामिल हैं। 1959 में आज एक दिन आरती साहा ने इंग्लिश चैनल को पार कर पहली एशियाई महिला के तौर पर अपना नाम इतिहास में दर्ज कराया था। आरती साहा ने 4 साल की कम उम्र से तैराकी शुरू की थी और उन्होंने मात्र 19 साल की उम्र में इंग्लिश चैनल को पार कर दुनिया के लोगों को हैरत में डाल दिया था। फ्रांस में केप ग्रीस नेज और इंग्लैंड के सैंड गेट के बीच पड़ने वाली 69 किलोमीटर की दूरी को उन्होंने महज 16 घंटे 20 मिनट में तय करके दिखाया था। आरती साहा ने अपने 6 साल स्टेट करियर में कुल 22 इनाम जीते थे। ये सारे इनाम उन्होंने 1945 से 1991 के बीच जीते। उनके पास डॉली नजीर का रिकॉर्ड ब्रेक कर एक नया रिकॉर्ड भी है। उन्होंने 1951 में बंगाल स्टेट मीट में 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में डॉली नजीर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 37.6 सेकंड का समय लिया था। भारतीय डाक ने उनके जीवन से महिलाओं को प्रेरित करने के लिए 1998 में एक डाक टिकट भी जारी किया था। 1960 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आरती साहा पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी। 1960 में आज एक दिन पूर्व सोवियत संघ के नेता निकिता खुर्शचेव ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक बैठक में हंगामा खड़ा कर दिया था। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा की कार्यवाही को बाधित करते हुए अपने जूते से मेज को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। खुर्शचेव कांगो में संयुक्त राष्ट्र की सैन्य कार्यवाही का विरोध कर रहे थे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के तत्कालीन महासचिव डैग हमरखसोल्ड को हटाकर उनकी जगह 3 सदस्यों की एक टीम गठित करने की मांग की थी। उनका कहना था कि पश्चिमी देश सोवियत संघ और तटस्थ देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 लोगों को मिलकर संयुक्त राष्ट्र का संचालन करना चाहिए। 1978 में आज ही के दिन पोप जॉन पॉल प्रथम की रहस्यमय हालात में मौत हो गई थी। वे केवल 33 दिनों पहले पोप चुने गए थे और बिस्तर पर पढ़ाई करते करते अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई थी। वे केवल 33 दिनों तक पोप रहे, लेकिन इतने कम समय में ही वे काफी लोकप्रिय हो गए थे। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने कहा था कि कुछ ही हफ्तों के कार्यकाल में पोप ने अपने चर्च और पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। उनकी मौत को लेकर षड्यंत्र रचे जाने की भी बातें उठी और कुछ कैथोलिक संगठनों ने उनकी मौत की पूरी छानबीन की मांग की। कई लोगों का मानना था कि उन्हें जहर देकर मार दिया गया, क्योंकि ना तो उनका पोस्टमार्टम हुआ और ना ही उनकी मौत की कोई जांच हुई। और 1979 में आज ही के दिन कैथोलिक ईसाइयों के धार्मिक गुरु पोप जॉन पॉल द्वितीय ने आयरलैंड के लोगों से हिंसा को त्याग कर शांति के रास्ते पर चलने की अपील की थी। 1960 में यह हिंसा उत्तरी और दक्षिण आयरलैंड के कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ईसाइयों के बीच शुरू हुई थी, जिसे उत्तरी आयरलैंड संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है। आयरलैंड के अपने ऐतिहासिक दौरे के दौरान लगभग 3 लाख लोगों को संबोधित करते हुए पोप ने उनको शांति का संदेश दिया था। एक बहुत ही भावनात्मक भाषण में पोप ने कहा, मैं अपने घुटनों पर गिरकर आपसे अपील करता हूं कि आप हिंसा का रास्ता छोड़ दें और शांति के रास्ते पर वापस आ जाएं। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों के लिए मेरा संदेश शांति और प्यार का है।
किसी भी प्रोटेस्टेंट को यह नहीं सोचना चाहिए कि पोप उनका दुश्मन या उनके लिए कोई खतरा है। यह पहला मौका था जब किसी पोप ने आयरलैंड का दौरा किया था।